हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं शिल्पी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और आज आयुष का हैप्पी बर्थडे है, तो मैंने उसकी बर्थडे की कुछ तस्वीरें और उसके बचपन की कुछ तस्वीरें आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये देखिए, ये पिछले साल की बर्थडे की तस्वीरें हैं और ये मेरे पापा जी हैं। आयुष उन्हें केक खिला रहा है और ये हमारे परिवार के जो हैं बच्चे और सारे वो सब हैं यहाँ। मेरे अपने पापा को वो केक खिला रहा है। ये देखिए आयुष के जो छोटा सा था जब, उसकी तस्वीरें हैं। और ये जब आयुष 6 साल का था तब की तस्वीरें हैं। और ये देखिए, ये जब शायद 5 साल का था तब की बर्थडे की तस्वीरें हैं। और यहाँ पिंकी है और ये देखिए, ये आदर्श है और आयुष अपने पापा के साथ हैं। यहाँ मैं भी हूँ। और ये तस्वीर जब आयुष फर्स्ट टाइम जब स्कूल जाना शुरू किया था तब का है। और ये दिवाली की तस्वीर है। और यहाँ पे आयुष, ये देखिए छत पे है तब की तस्वीर है। और ये देखिए आयुष कितना छोटा सा है, बस इसने बैठना सीखा था। और ये जब ये 3 से 4 महीना का था तब का फोटो है। और ये देखिए, ये शायद 4 साल का था तब का। और जब आयुष पहली बार स्कूल गया था उसकी तस्वीर है ये। और ये अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है। और इसकी ये पहली होली की तस्वीर है। यहाँ जब वो अपने नाना नानी के साथ बैठा है तब की तस्वीर है। यहाँ आयुष ने सबसे पहले जब पढ़ना शुरू किया था सरस्वती पूजा के दिन तब का है। और ये देखिए आयुष आज अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है अपने ट्रेन से। और इसकी पसंद की सारी चीज़ें आज मैंने बनाई हैं। इसे रसगुल्ले और रसमलाई बहुत ज़्यादा पसंद है, साथ ही इसे पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है और छोले और भटूरे उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ मैंने पनीर को फ्राई करके रख दिया है उन्हें सॉफ्ट होने के लिए। और बाद में इनकी मैं सब्ज़ी बना लूँगी। और यहाँ छोले बन चुके हैं, बस इसमें पानी डालना है। और यहाँ भटूरों के लिए मैंने डो लगाना शुरू कर दिया है, जिसके लिए मैंने यहाँ मैदा लिया है और उसमें नमक डाला है और थोड़ा सा उसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए शक्कर डाला है, थोड़ा सा दही और थोड़ी सी सूजी डाली है। और पानी को हल्का सा गर्म कर लिया है और थोड़े थोड़े करके इसमें मिक्स करूँगी और इसका डो लगा लूँगी। 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूँगी और उसके बाद इससे मैं इनकी जो है भटूरे बनाऊँगी। ये देखिए, और हमारा भटूरा जो है तेल में मैंने डाल दिया है फ्राई होने के लिए। तो इसे हल्के हल्के ऐसे प्रेस करना है, हमारे भटूरे जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से फूल जाएंगे। तो बस हम लोगों ने इसकी बर्थडे में बाहर से कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है, आप सबको पता है किस लिए। तो जो लोग मेरे वीडियो को रेगुलर देखते हैं उन्हें पता होगा हम लोग बर्थडे में केक कटिंग नहीं करेंगे इस बार। और हमने यहाँ बर्थडे के 1 दिन पहले ही ये सब कर लिया था। और आज है 2 तारीख और आज है आयुष का बर्थडे। यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ, यहाँ जल दे रही हूँ और यहाँ आज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। और अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।